जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे? दोस्तों, आज मैं आपके साथ धन वाली बेल, जो आप अपने घर में लगा लेते हैं, और कौन सी है वो बेल, और साथ ही आपको किस दिशा में लगाना चाहिए। आप यदि ये लगा लेते हैं तो माँ लक्ष्मी की आपके घर पर अवश्य कृपा बरसेगी। पूरे मनोरथ, जो भी आपके मनोरथ हैं, सभी पूर्ण होंगे। वास्तुशास्त्र में कई पुण्यकारी पौधों के बारे में बातें की जाती हैं, जैसे तुलसी, शमी, कनेर, मनी प्लांट जैसे पेड़ पौधे घर में धन संपदा में की बढ़ोतरी करने के साथ साथ पॉजिटिव माहौल बनाने में भी मदद करते हैं। ऐसे ही एक पौधे की बेल, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ डिटेल्स में, जिसे कृष्णकांता कहा जाता है। इसे नीली अपराजिता भी कहते हैं, और इसके नीले फूल भगवान विष्णु को अति प्रिय होते हैं, साथ ही भोलेनाथ को भी समर्पित होते हैं। देखने में कृष्णकांता के नीले फूल एक मोर पंख की तरह खूबसूरत दिखते हैं, बहुत ही सुंदर। वास्तु में कृष्णकांता की बेल को धन बेल भी कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे कृष्णकांता की बेल बढ़ती है, उसी तरह घर में खुशहाली और संपन्नता बढ़ती है। इसे आमतौर पर फरवरी मार्च में रोपा जाता है। शायद आपको मालूम नहीं, इसको लगाने से घर में नेगेटिविटी समाप्त होती है और घर में पैसे आने लगते हैं। पैसे आने के रास्ते खुलने लगते हैं, आपको अवसर दिखाई देने लगते हैं कि आप कहाँ से पैसा कमा सकते हैं, कहाँ से धन कमा सकते हैं। यहाँ पैसे आने का तात्पर्य यह नहीं कि आपने बेल लगाई और पैसा खुद ब खुद आ गया। इसका मतलब यह है कि आप धन के लिए सही दिशा में जो मेहनत करेंगे, आपको फल अवश्य मिलेगा। क्योंकि ऐसा होता है ना, कई बार आप मेहनत पूरी करते हैं लेकिन उसका प्रतिफल आपको धन के रूप में पर्याप्त नहीं मिल पाता। इस बेल को लगाने के बाद आप बिल्कुल जब भी लगाते हैं, और देखना आपको जो रास्ता दिखाई देगा उससे अवश्य आपको अच्छी कमाई होने वाली है। कृष्णकांता की बेल को घर में उत्तर दिशा में लगाना चाहिए, ये शुभ परिणाम देती है। साथ ही दोस्तों, घर में खुशहाली बनी रहती है जब आप उत्तर दिशा में लगाते हैं इस बेल को। और साथ ही इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि इस बेल को कभी भी आप पश्चिम या दक्षिण दिशा में नहीं लगाएं, क्योंकि हो सकता है कि इसका नेगेटिव आपको इफेक्ट पड़ने लगे आप पर। कहा जाता है विष्णुप्रिया के होने के चलते कृष्णकांता यानी नीली अपराजिता की जो बेल होती है, धनलक्ष्मी को आकर्षित करती है। इससे घर में खुद माँ लक्ष्मी निवास करने लगती है, और धनवान बनने के लिए जो भी आप मेहनत करते हैं उसमें कामयाब होते हैं। आपको रास्ते जो दिखाई देते हैं, आपके पूरे जो आपकी मनोरथ हैं, मनोकामनाएं हैं, पूरे होती हैं। कृष्णकांता की बेल लगाने से परिवार के सदस्यों की बुद्धि कुशाग्र होती है, और यह भी कहा जाता है कि इसका फूल भगवान विष्णु को चढ़ाया जाए तो परिवार की कभी भी कोई भी मेंबर किसी की भी पराजय नहीं होती। जिस भी क्षेत्र में वह जाता है उसे विजय ही प्राप्त होती है। साथ ही कृष्णकांता की बेल का एक और आपको पॉजिटिव गुण नहीं मालूम होगा, कृष्णकांता की बेल के सुंदर नीले फूलों को यदि शनिदेव को अर्पित किया जाए तो शनि की साढ़े साथी या महादशा से जो कष्ट मिल रहे हैं उससे भी आपको राहत मिल सकती है। दोस्तों, साथ ही आपको कृष्णकांता की बेल के जो सुंदर नीले फूल होते हैं उनका एक और पॉजिटिव गुण नहीं मालूम होगा, आप इनके जो सुंदर नीले फूल होते हैं जो मोर पंख के समान दिखाई देते हैं, उनको यदि शनि देव को अर्पित करते हैं तो शनि की साढ़े साथी या होती है या महादशा चल रही होती है जिस पर उसके जो कष्ट मिल रहे होते हैं, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं शनि की दशा जिस पर होती है वो कहीं ना कहीं कष्टों से गुजर रहा होता है, उससे जो कष्ट मिलते हैं उससे राहत मिलती है। सिर्फ इनके पुष्पों को आप शनिदेव को समर्पित करते हैं इससे ही। और ऐसा कहा जाता है इस बिल के जो नीले फूल होते हैं उन्हें पूजन में रखें, और जब पूजन हो जाए और कहीं विशेष कार्य के लिए आप जा रहे हैं तो अपने साथ रख लें, इससे वह कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती है। यानी छोटी सी बेल, सुंदर से फूल, और सिर्फ आपको पुष्प चढ़ाना है और बेल लगाना है अपने घर, उसके साथ ही आप कितनी पॉजिटिविटी पाते हैं। आप अवश्य लगाएं अपराजिता का पुष्प, और फरवरी मार्च का महीना ही इसको रोपने के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आप लगाएं, थोड़ा सा ध्यान रखें आप
दिशा का उत्तर दिशा में लगाएं, अब दक्षिण और पश्चिम दिशा में बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि इसके नेगेटिव आपको हो सकता है प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। करें श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो अवश्य बनता है, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।